दोस्तों मैं कुछ कहूँ उससे पहले इस वीडियो क्लिप को आप देखिए और इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। When will you launch a 5G smartphone? आजकल 5G की बहुत बातें चल रही हैं, तो सबको बताना चाहूंगा कि 5G के ऊपर हमारे बैंगलोर R&D सेंटर के ऊपर हमारे अपने इंजीनियर्स दिन रात पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द आप सबके सामने देश का अपना, आपकी अपनी देश की कंपनी का फोन, 5G एनेबल्ड फोन बहुत ही जल्द लेके आपके सामने पेश होंगे। तो पूरी ताकत, पुरजोर कोशिश के साथ में सारे इंजीनियर लगे हुए हैं और मैं बहुत पर्सनली एक्साइटेड हूँ इस 5G प्रोडक्ट को लेकर और जल्दी आपके सामने पेश होंगे, बट हाँ काम चल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, राहुल शर्मा सर कह रहे हैं कि माइक्रोमैक्स 5G फोन के ऊपर काम चल रहा है और आप में से काफी सारे लोग भी विश्वास कर रहे हैं कि हाँ भाई काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी है ये 11 महीने पुराना है, मतलब ये 11 महीने पहले की वीडियो क्लिप है। आप चाहे तो इस पूरे वीडियो को देख सकते हो माइक्रोमैक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेट्स टॉक इंडिया के लिए एपिसोड 2, आप चाहे तो देख सकते हो। वो लोग कह रहे हैं कि 5G फोन के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है कि माइक्रोमैक्स 5G फोन के ऊपर क्या काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? दोस्तों माइक्रोमैक्स ने जितने भी फोन लॉन्च किए वो सभी बढ़िया फोन थे, नो डाउट, एकदम काफी दमदार फोन थे। और दोस्तों अगर माइक्रोमैक्स अभी स्मार्टफोन नहीं निकालती है तो माइक्रोमैक्स पहले की तरह फिर से डूब जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो माइक्रोमैक्स फिर से डूब जाएगा पहले की तरह। माइक्रोमैक्स को बने रहने के लिए कोई ना कोई स्मार्टफोन तो जल्द ही लॉन्च करना होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स का 5G फोन इतनी जल्दी नहीं आने वाला। तो दोस्तों आप में से काफी सारे लोग कहोगे कि क्यों भाई क्यों नहीं आने वाला? और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतनी जल्दी 5G फोन लाके करेगी क्या कंपनी? आप खरीद के क्या करोगे 5G फोन का? क्योंकि 5G नेटवर्क तो अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है, और दोस्तों अवेलेबल होता भी है तो 2023 में जाके अवेलेबल होगा और 5G सस्ता होते होते 2024 से लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको 5G फोन खरीदना है अभी के टाइम पे तो आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन आप 5G यूज नहीं कर पाओगे। 5G यूज करते करते 5G अफोर्डेबल होते होते 2024 साल मेरे ख्याल से शायद लग जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जान पाए हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।